ये हैं अनूपगढ़। जिला तो बन गया लेकिन जिला स्तरीय व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं। और ये है अनूपगढ़ जिले का केंद्रीय बस स्टैंड। चारों तरफ कचरे के अंबार, जर्जर हालत में भवन, यहां आकर ऐसे लगेगा जैसे पूरे शहर की गंदगी यही इकट्ठी की जाती है। दूर दूर तक साफ सफाई का कोई नामोनिशान नहीं, आसपास कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शायद लगता है अनूपगढ़ प्रशासन केंद्रीय बस स्टैंड की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, और वह पहचान साफ सफाई रखकर, नहीं कचरे और गंदगी का अंबार लगाकर एक नई पहचान बना रहे हैं। यहां पर पूरा दिन भीड़ लगी रहती है और सैकड़ों लोग अपनी यात्रा केंद्रीय बस स्टैंड अनूपगढ़ से करते हैं। जिला बनने के बाद सभी अधिकारी अनूपगढ़ में बैठते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का ध्यान इस बस स्टैंड पर नहीं गया है। पता नहीं अनूपगढ़ नगर परिषद क्या कर रही है। क्या अधिकारियों को बस स्टैंड पर इतने कचरे के अंबार दिखते नहीं हैं? क्या केंद्रीय बस स्टैंड अनूपगढ़ को साफ सुथरा रखा नहीं जा सकता है? क्या अनूपगढ़ जिले में सफाई कर्मियों की इतनी कमी हो गई है कि जहां देखो वहां कचरे के अंबार लगे पड़े हैं? Thank you.